समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय महासचिव शिवपाल सिंह यादव बंगाल अधिवेशन के बीच में ही सैफई अपने गांव पहुंचे हैं और यहां पर एक सोसाइटी का जो सहकारी समिति है वहां पहुंचे हैं। हम जानते हैं शिवपाल जी, जिस तरह से समाजवादी पार्टी का बंगाल अधिवेशन चल रहा है, आप बीच में ही यहां आना हुआ, क्या कारण है? कोऑपरेटिव चुनाव को कितना संजीदगी से देख रहे हैं? देखिए, मैं तो कल ही संबोधन करके चले आए और यहाँ चुनाव हो ही रहा है जी, तो प्रशासनिक अधिकारियों का दबाव था इसलिए आना पड़ा। तो चुनाव तो चल ही रहा है और चुनाव में यहाँ पर सभी, ज़्यादातर सभी, 95 से भी ऊपर निकल जाओगे तो सभी जी, कहीं कहीं 99 भी है, 100% भी है। कल का तो चुनाव हो चुका है। प्रशासनिक अधिकारियों के दबाव के रहते यहाँ पर सभी समितियों पर चुनाव समाजवादी पार्टी के प्रत्याशियों ने जीत लिया है। दूसरा एक सवाल ये भी करना है, चूंकि बंगाल अधिवेशन के बीच से आप लौटे हैं, किस तरह का अधिवेशन रहा, 2024 की तैयारी भी है, थर्ड फ्रंट भी तैयार किया जा रहा है, आप किस तरह से देख रहे हैं और अधिवेशन में किस तरह की चीज़ें रही? देखिए, 2024 के चुनाव की तैयारी, संगठन की तैयारी पूरी तरह से तैयारी पर विचार चल रहा है, अपनी रणनीति पर विचार किया जा रहा है। 2024 के चुनाव के लिए पूरी तरह से समाजवादी पार्टी तैयार है। तो किस तरह से देखते हैं कांग्रेस को भी, पार्टी मतलब समाजवादी पार्टी के इस अधिवेशन में कितना रहता है कि कांग्रेस से दूरी लगातार बनाई जानी है? देखिए, ये दोनों पार्टियां, पहले वो अपना करती रही, अब ये उसी तरीके से कर रही है, दोनों एक दूसरे के चट्टे बट्टे हैं। तो ये शिवपाल सिंह यादव हैं जिनका कहना है कि समाजवादी पार्टी पूरी तरह से तैयार है। जिस तरह से कोऑपरेटिव का चुनाव सामने था उसको लेकर समाजवादी पार्टी के अधिवेशन को छोड़कर आए हैं, तो कहीं ना कहीं पार्टी पूरी तरह से तैयार है और पूरे लाव लश्कर के साथ चुनाव, आगामी सारे चुनाव पर चुनाव लड़ेगी और 2024 में भी परचम फहराएगी। Oh, 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 oh